नमस्कार, स्वागत है आपको आपके ही YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से, तो उसका जो लिंक है हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखे रखा है। अगर हमारे यहाँ से आप एंजल ब्रोकिंग से अकाउंट ओपन करेंगे ट्रेडिंग एंड डीमैट के लिए, तो आपको जो एक साल का AMC रहेगा एंजल ब्रोकिंग की ओर से, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और जो भी आपका अकाउंट का प्रोसेस रहेगा वो भी फ्री में होगा और ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा एप्लीकेशन एंजल ब्रोकिंग का हम लोग भी यूज़ करते हैं, आप यूज़ करके देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है अकाउंट ओपन करने के लिए, उसमें आपको कुछ भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग को जो है यूट्यूब से ज्वाइन बटन भी मिल गया है, जहाँ पे हम लोग अपने मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो है मिनिमम चार्जेस है 29 रुपीज़ मंथली का। उसमें भी जो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा स्टॉक के बारे में। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में आर्कॉम स्टॉक के बारे में। आर्कॉम स्टॉक के बारे में बात करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, आज हम लोग ये वीडियो इसलिए सजेशन पे लाए हैं कि कुछ जो है अपडेट देखने को मिला हम लोग को आर्कॉम के स्टॉक के बारे में। और हम लोगों ने बहुत जन को पूछा था अभी कि जो है आपको कौन से स्टॉक के बारे में अपडेट चाहिए, आर्कॉम, अशोक लेलैंड और ऐसे 3-4 स्टॉक का हम लोगों ने दिया था। तो सब ज़्यादातर लोगों ने जो है आर्कॉम को बताया कि आर्कॉम के बारे में कुछ अपडेट रहेगा तो देने के लिए। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे आर्कॉम के बारे में कुछ भी जो है नया अपडेट नहीं है, बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और जब रिसर्च किया कि बहुत जन बता रहे हैं कि आर्कॉम को जो है बाहर का एक कंपनी खरीद रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि उसके बारे में आपको थोड़ा अपडेट दे दे। ऐसा कुछ है क्या सही में? अगर आप आर्कॉम स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे हैं और बाहर का कंपनी खरीद रहा है, तो हो सकता है मुनाफा मिल जाए। तो वही जो भी हम लोग को लगा वही हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, हो सकता है 5-6 मिनट का ये वीडियो रहे। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 6 महीने से देख रहे हैं, 6 महीने के अंदर अगर आप प्राइस देखते हैं आर्कॉम का 0.70 पैसे से स्टॉक जो है करीबन हाई प्राइस जो है 3.15 पैसे तक पहुँच गया था 6 महीने के अंदर। आर्कॉम स्टॉक के बारे में जब भी बार जितना भी बार हम लोगों ने आपको टारगेट प्राइस दिया सब हिट हुआ है। और हम लोगों ने पहले ही बताया आपको कि आर्कॉम स्टॉक में अगर आप मुनाफे में हैं तो स्टॉक से जो है फिलहाल आप सेल करके हट सकते हैं, बाद में इसमें कोई अच्छा अपडेट आएगा तो आप दोबारा ले सकते हैं। फिलहाल जो भी ये जो है इन्फॉर्मेशन मिला था या फिर कुछ हम लोगों ने जब रिसर्च करने का टाइम देखा कि बहुत जन ने बोला कि बाहर का कोई कंपनी खरीद रहा है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है कि मतलब रियल अपडेट नहीं है कि बाहर का कोई कंपनी खरीद रहा है। देखिए आर्कॉम के बारे में ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं कि बहुत सारा कंपनीज़ भी आया था खरीदने के लिए, बट अभी तक कुछ डील जो है फाइनल नहीं हुआ है। और आपको बताना चाहेंगे कि जियो का भी जो चल रहा था, जियो का डील, उसका जब आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। करीबन जो है 2020 के जनवरी में भी ये जो एक अपडेट आ गया था कि रिलायंस जियो जो है वो ख़रीदने वाला है आर्कॉम का जो भी 43,000 का टावर है, 43,000 माफ़ कीजिए 43,000 टावर है पूरा इंडिया में, वो ख़रीदने वाला है जियो। तो वो तो एक अपडेट है ही और वो ऑलरेडी आशा करते हैं सबको पता ही रहेगा। तो उसमें कुछ अलग से कुछ न्यूज़ नहीं है कि आर्कॉम जो है खरीद दिया जो है दूसरा कोई कंपनी खरीदेगा। अगर खरीदेगा भी तो भी उसमें कुछ बेनिफिट लगता नहीं होगा, क्योंकि आर्कॉम का बिज़नेस अभी देख सकते हैं जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन का टेलीकॉम बिज़नेस है वो तो बंद है। तो वो दूसरा कोई कंपनी खरीदेगा तो आर्कॉम रिलायंस कम्युनिकेशन के टेलीकॉम बिज़नेस को दोबारा शायद से जो है वो लोग ओपन नहीं करेगा। अगर रिलायंस कम्युनिकेशन के टेलीकॉम बिज़नेस को दोबारा ओपन करते तो रिलायंस कम्युनिकेशन को फ़ायदा है, या फिर दूसरा कोई कंपनी खरीदेगा भी तो भी क्या करेगा, उसका एसेट्स ले लेगा जो भी टावर बेस्ड, जैसे कि जियो खरीदेगा 43,000 टावर्स, तो ऐसे जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर्स है या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स है वो खरीद सकता है, जो कि दूसरे कंपनी जैसे टेलीकॉम कंपनी दूसरा कोई रहेगा तो वहाँ पे यूज़ कर सकता है। और उसी के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन का अगर टावर्स खरीदेगा जैसे कि जियो को फ़ायदा होगा, क्योंकि जियो का जो है बिज़नेस ये लोग स्प्रेड कर रहा है, इनका टावर उनको ज़्यादा चाहिए, 5G भी लॉन्च करने के लिए सोच रहा है, तो उनको टावर बेस में अच्छा खासा फ़ायदा जियो को होने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे बात करेंगे अगर आप 5 डेज के अंदर देखते हैं स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिला हम लोगों को, प्राइस जो है 265 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, 2.65 पैसा के आसपास चल रहा था 5 डेज पहले, और अभी देख सकते 2.50 है। मतलब 5 डेज के अंदर स्टॉक में जो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है, ये करीबन 2-2.5 हफ्ते से स्टॉक में जो है लोअर सर्किट लगा हुआ था। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो 2 दिन से देखेंगे तो स्टॉक में फिर से एक बार अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो ये अपर सर्किट लगा हुआ है इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग को रुकना चाहिए स्टॉक में, या फिर अगर मतलब ज़्यादा इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको इसमें फ्रेश बाई करना चाहिए? अभी इसमें फ्रेश बाई करना लग नहीं रहा है कि सही रहेगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है
तो दूसरा स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि छोटा अमाउंट का स्टॉक रहेगा। रिलायंस कम्युनिकेशन में फ्रेश बाई मत कीजिए, क्योंकि अभी जो ये रिलायंस कम्युनिकेशन में जो है एक बार अपर सर्किट लगा या फिर थोड़ा प्राइस में जो है अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसके पीछे ये रीज़न है जो हम लोगों ने एक दिन पहले वीडियो बना के आपको दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं। SBI ने जो भी 1200 करोड़ निकालने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में या फिर जो है NCLT के पास गए थे, माफ़ कीजिए, NCLT के पास गया था 1200 करोड़ रुपया निकालने के लिए, जो भी SBI ने पर्सनल गारंटी के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस इंफ्राटेल को दिया था कुछ साल पहले, वो अनिल अंबानी जी मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन ने नहीं चुकाया ड्यूज, उसी के चलते SBI जो है NCLT के पास गया था वो पैसा निकालने के लिए। और जो भी संपत्ति है इनका लिक्विडेशन के बारे में बातचीत चल रहा था, जो भी एसेट्स है रिलायंस कम्युनिकेशन का संपत्ति जो है वो उसको बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से ड्यूज भी चुकाया जाएगा, ऐसा बातचीत चल रहा था। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो भी ये NCLT के पे गया था SBI, उसको लेके अनिल अंबानी जी की ओर से जो है हाई कोर्ट चला गया था ये बात, और हाई कोर्ट से जो इसको खारिज कर दिया गया, फिलहाल के लिए मतलब रद्द कर दिया गया है। तो उसी के चलते आरकॉम स्टॉक में थोड़ा बहुत एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, मूविंग एवरेज जब हम लोगों ने रिसर्च किया यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक को खरीदना चाहिए, या फिर कुछ परसेंट लोग बोल रहे हैं कि खरीदना नहीं चाहिए। तो फिलहाल यही राय रहेगा, खरीदना नहीं चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक अगर आपको एवरेज करने के बाद मुनाफा मिले तो इसमें एवरेज करके आप निकाल सकते हैं स्टॉक का, जो भी अगर आपको मुनाफा मिलता है तो हट सकते हैं। अगर आपको अपने अभी स्टॉक अगर कम अमाउंट पे लेके रखा है 2-2.5 रुपये के आसपास, तो भी आप अगर मुनाफे में हैं तो 1-2 दिन के अंदर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है तो ज़रूर इसमें से हट जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। अगर आप अमाउंट लेके रखे हैं और लॉस में हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आपको इसमें एवरेज करके जो है मुनाफा हो सकता है क्या। अगर आपने 2.5 या फिर 2.60 पैसे तक लेके रखे हैं तो हो सकता है कि स्टॉक जो है करीबन 2.80 या 90 पैसे तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। फिर भी आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ज़्यादा नहीं हो सकता है, अमाउंट मतलब ज़्यादा इसमें जो है मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो एक अपट्रेंड आया है अभी अनिल अंबानी जी का, जो भी हाईकोर्ट से अपडेट आया है कि जो है उसको रद्द कर दिया गया, SBI का जो भी कंप्लेन था उसको रद्द कर दिया, उसके चलते स्टॉक में जो है अपडेट देखने को मिला है। ऐसा अलग से कुछ अपडेट नहीं है कि बाहर का कोई भी कंपनी इसको खरीद रहा है करके। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद जो हम लोग का ही था, जिन लोगों ने हम लोग को पूछा है या फिर बताया कि इसके बारे में एक अपडेट दिया जाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुत जन को ऐसा जो है अपडेट मिला रहेगा कि बाहर का कोई कंपनी खरीद रहा है और इसमें जो है ज़्यादा खासा जो है एक मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों ऐसा आप जो है फिलहाल मत सोचिए, हो सकता है बाहर का कोई कंपनी खरीदे, जब खरीदेगा तब आप दोबारा स्टॉक ले सकते हैं, स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 2-3 रुपये के नीचे है। तो अगर आपको छोटा स्टॉक अमाउंट में जो है ट्रेड करना है तो हम लोग का जो ओवर व्यू रहेगा, आप रिलायंस कैपिटल वगैरह देख सकते हैं, रिलायंस पावर देख सकते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी छोटा अमाउंट का स्टॉक कौन का स्टॉक है, मतलब अब जो है रिलायंस पावर वगैरह अभी देखेंगे वो भी पेनी स्टॉक में आता है, और रिलायंस कम्युनिकेशन का जब भी डील होगा उसके बाद जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से हो सकता है अनिल अंबानी जी उनके जो बाकी कंपनी से एरिए के उसमें जो ड्यूज है वो कंप्लीट करने के लिए कोशिश करें, तो हो सकता है कि उसमें आपको अच्छा एक मुनाफा मिल जाए। दोस्तों वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, आशा करते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना।